हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू ज्ञान बी जी पहले वाले वीडियो में हमने कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है वो हमने सीखा था अब हम इससे थोड़े से डिफिकल्ट टास्क लेके करते हैं जैसे अगर हमारा है वन बाय फोर इस टू वन बाय सिक्स दिया है तो इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे तो एक सिंपल सा तरीका है फोर और सिक्स का एलसीएम फाइंड आउट कर दें एल के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपको और सीखना हो तो आप वो देख सकते हैं ये टू से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड हो गया अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है तो हमारा एल हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो टू टू ज़ा फोर एंड फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व एल आ गया है तो अब इसमें इनमें से जो ये टर्म है इससे ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वन बाय फोर इज मल्टीप्लाइड टू ट्वेल्व इज टू वन बाय सिक्स मल्टीप्लाईड बाय ट्वेल्व तो जब हम इसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थ्री सिक्स से ट्वेल्व डिवाइड होगा तो टू तो आपका आंसर आ गया थ्री इज टू टू तो कितना ईजी था हमारा ये पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अपॉन में है मतलब डिनोमिनेटर वालों को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है मतलब उसका एल निकालना है उसके बाद उसको हमें एल से मल्टीप्लाई करने से वो एक होल्ड नंबर आ जाएगा नेचुरल नंबर आ जाएगा वो ही हमारा रेशियो होगा अब और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एट वन बाय थ्री टू सिक्स वन बाय फोर अब इसे कैसे करेंगे ये थ्री है तो एट वन बाय थ्री मतलब एट थ्रीज आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस एट का मल्टीप्लाई थ्री से और फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे वन से एट थ्रीज आर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव बाय थ्री और इधर भी हो जाएगा सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन इज़ ट्वेंटी फाइव बाय फोर अब इसमें भी सेम करेंगे हम थ्री और फोर का एल ले लेते हैं थ्री और फोर का एल क्या होगा डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है ट्वेल्व तो ट्वेंटी फाइव बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी फाइव बाय फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व सो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एंड फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व सो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री इज़ सेवेंटी फ़ाइव पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्यों अभी फ़ाइव से डिवाइड हो सकते हैं ये तो अब हम इसका एच सी एफ निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे या फिर जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फाइव कर दो उसको हम कट करते जाएंगे और ये ज़ीरो और फाइव पीछे आ रहे हैं मतलब वंस प्लेस पे हैं तो ये फ़ाइव से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा फोर और यहाँ हो जाएगा थ्री तो आपका रेशियो है फोर इज़ टू थ्री मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट के भी वीडियोस बनाए हैं तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं और उनसे उन्हें देखने से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको हर जगह काम आएगा तो आप उनको श्योरली देखें ताकि आपको आ, कोई भी सम्स करना डिफ़िकल्ट टास्क ना हो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब हम पॉइंट वाला ले रहे हैं एक मिक्स नंबर का लिया था एक पहले फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बाद मिक्स नंबर का और अब पॉइंट में तब पॉइंट में करने के लिए सबसे पहले आप 8.5 जैसा है उसको अपॉन में लिखें ये पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के पीछे जितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से जीरो लग जाएगा अब यहाँ सिर्फ सिंगल वन है तो एक वन जीरो ही लगेगा और इस टू टेन हो जाएगा ये अब आप या तो इसे कट करके इसको कट करके आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लें और फिर करें या फिर अब डायरेक्टली एच सी एफ लेके भी हम कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं एट पॉइंट फाइव टेन तो हमारा है ही ये पॉइंट हटा और ये भी अपॉन में आएगा तो मल्टीप्लाई बाय टेन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एटी फाइव 100 हंड्रेड बस इसको आप दोनों का एच सी एफ निकाल लें या फिर जो फाइव और फाइव से हम जो डिविजिबल टेस्ट है उससे या फिर डिव, डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली फाइव वन साफ फाइव थ्री uh, रिमाइंडर आएगा थर्टी फाइव तो फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव इसी तरीके से फाइव टू ज़ा टेन और ये ज़ीरो तो आपका इसका रेशियो क्या हो जाएगा सेवेंटीन एस टू ट्वेंटी इस तरीके से हम सारे सम्स कर सकते हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पॉइंट है तो पॉइंट हटाना है मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है नॉर्मल फ्रैक्शंस को करना है तो एलसीएम लेना है एलसीएम लेने के बाद ही हम एचसीएफ करते हैं क्योंकि एच हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए एच यूज़ करना है या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड करके बना सकते हैं अब मैं और भी डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ टिल देन बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जी